नमस्कार एंड वेरी वेलकम दोस्तों। राजस्थान में आयोजित होने वाली रिट मुख्य परीक्षा और सीएटी एग्जाम के लिए आज अपन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो कि आपके संपूर्ण सिलेबस के अनुसार है। देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक दोस्तों। इससे पहले आप जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइए। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक, कौन सी सभ्यता से टेराकोटा से बनी वर्षा आकृतियाँ मिली है जिन्हें बनसियल इबुल कहा जाता है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों, कौन सी सभ्यता मिली है वर्षा की आकृतियाँ? तो ये आहार सभ्यता से मिली है दोस्तों, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, किस अभिलेख में महीर भोज की आदिवरा की उपाधि मिली है दोस्तों, किस अभिलेख में? तो ये ग्वालियर अभिलेख में मिला है दोस्तों। देखिए दोस्तों ग्वालियर अभिलेख महीर कुल की ग्वालियर प्रशति का एक शिलालेख है जिस पर संस्कृत में मल्लेच्छो द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है। अलेक्जेंडर किंगडम ने देखिए दोस्तों यहाँ देखा कि इसके बारे में उसी वर्ष प्रकाशित किया, जिसके बाद इस शिलालेख में अनेकों अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार शासनकाल में प्रारंभिक मध्यकाल मेवाड़ का श्रवण काल कहा जाता है दोस्तों? तो प्रारंभिक श्रवण काल दोस्तों ये जैत्र सिंह के काल को कहा जाता है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वैसे कुंभा का के अंदर भी दोस्तों श्रवण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कीर्ति स्तंभ प्रस्थिति के अनुसार महाराणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण थे, जो कि सही है। अगला देखिए, महाराणा कुंभा के गुरु हीरानंद मुनि थे। अगला देखिए, महाराणा कुंभा ने तीर्थमाला में रचना की जिसमें 120 तीर्थ वर्ण है दोस्तों, इसके अंदर सी ऑप्शन गलत है। और अगला देखिए, संगीत राज की 5 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों, ये इनका द्वारा लिखित ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए, प्रमुख काव्य दे रखे हैं और उनके रचनाकार। हमीर महाकाव्य रचना दोस्तों नयनचंद सूरी ने, और हमीनारायण ये व्यास भांड ने, और हमीर आसो देखिए जोधराज ने, और हमीर बंधन अमृत कैलाश ने। इस ऑप्शन के अनुसार देखिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि सही है, ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, वेली किशन रुक्मणी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की है दोस्तों? तो ये किए पृथ्वीराज ने, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने 1580 में की थी। इसे डिंगल की भाषा का उत्कृष्ट खंड काव्य माना जाता है। इसकी रचना डिंगल के छंद वेली गीत के नाम का प्रयोग किया है दोस्तों इसके अंदर, और कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा इस कृति का विषय है दोस्तों प्रमुख रूप से। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? तो देखिए कन्हैयालाल सेठिया इसके अंदर दत्ती दोरारी, पीतल पातल और मिंजर ये सभी है, बाकी पिंगल शिरोमणि नहीं है। ऑप्शन अपना ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, केवल वर्षा जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार किसने माना है दोस्तों? केवल वर्षा को जलवायु प्रदेशों के अंदर किसने बांटा है? ये थार्नवेट ने। ऑप्शन फोर्थ नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये जानकी देवी बजाज ने की थी। ऑप्शन अपना हो जाएगा बी इसके अंदर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रजामंडल की स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? तो देखिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पटानी के द्वारा, और मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल देखिए 1945 में, और झालावाड़ प्रजामंडल ये देखिए दोस्तों 1946 के अंदर। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अपना डी नंबर, जो कि असुमेलित है। देखिए झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 दिसंबर 1946 में हुई थी। झालावाड़ प्रजामंडल का गठन मांगेलाल भव्य ने मदन लाल गोपाल व कन्हैयालाल मित्तल इसके स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। अगला देखिए, किस किले के बारे में कर्नल टोड ने कहा कि यदि मुझे राजपूताना में एक जागीर पेश की जाए तो मैं किसे चुनूंगा? तो ये दोस्तों इसके कहा था बेसरोड़गढ़ किले के लिए। अगला देखिए, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर
किस जिले में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों जोधपुर के अंदर, मंडोर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है? देखिए दोस्तों, पटो की हवेली है, नथमल की हवेली और सालेम सिंह की हवेली ये जैसलमेर में। बाकी देखिए, राम निवास गोयना की हवेली इसके अंदर नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए, फतेहपुर सीकर के अंदर नंदलाल देवड़ा व कन्हैयालाल गोयन की हवेलियाँ हैं। भित्ति चित्रों की कहानी ये प्रसिद्ध है। और देखिए, चूरू की हवेलियों में मालाजी कमार, राम निवास गोयना की हवेली और मंत्रियों की हवेली इत्यादि प्रसिद्ध है। खीचन जोधपुर में लाल पत्थरों की गलीचों व टाटिया परिवारों की देखिए हवेलियाँ कलात्मक रूप से देखने को मिलती है। अगला देखिए, ई मित्र ई गवर्नेंस की श्रेणी में देखिए 2022 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है राजस्थान में। किस इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों इस अवार्ड की? तो ये कब से दिया गया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों 2002 से। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए दोस्तों, मनसा माता का मेला कौन से जिले में पड़ता है? तो ये दोस्तों झुंझुनू जिले में। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, हड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत जिसमें मरना सन पत्नी पति को दूसरे विवाह का संदेश देती है, तो ये दोस्तों सी हो जाएगा इसका। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिछोड़ो बोल आपको इसके पता होंगे। अगला देखिए, राम सनेही संप्रदाय के सिंहथल शाखा के प्रवर्तक हीरा राम दास जी का प्रमुख रचना कौन सी थी? तो ये निशानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, राजस्थान में अब तक कितनी महिला राज्यपाल बनी है दोस्तों? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल बनी है। देखिए, पहली अब प्रतिभा देव सिंह पाटिल जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी रही महिला। अगली देखिए, प्रभा राव जो कि इनका राज्यपाल के पद पर रहते हुए निधन हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, मार्गरेट आलवा, ये 3 महिलाएं रही थी राजस्थान में राज्यपाल के तौर पे। अगला देखिए, वर्तमान में राजस्थान की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री कौन है? तो यह है रमेश चंद्र मीणा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, राज्य का महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है दोस्तों महाधिवक्ता को? तो ये अनुच्छेद 177 के अंदर। सी इज ए करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला देखिए, जोधपुर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कितने जिले आते हैं? तो ये इसके अंदर आते हैं दोस्तों 18। डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, 15वीं विधानसभा के देखिए मुख्य सचेतक कौन है? मुख्य सचेतक है दोस्तों ये महेश जोशी। ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, उत्तर दिशा में सर्दियों में चलने वाली शीतलहर क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं डाफर। ए इज ए करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की अफवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ 16%, और देखिए बंगाली खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ 24%, और आंतरिक जल प्रवाह नदियाँ 60%। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कोई सभी सत्य हैं, इसके अंदर कोई सा भी क्या है गलत नहीं है। 16% ये दोस्तों अरब सागर में ले जाने वाली, और बंगाली खाड़ी में 24%, और 60% है जो कि आंतरिक प्रवाह नदियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? किस नदी पर बना है वो? तो ये बना है माही नदी पर, माही बजाज सागर देखिए बांसवाड़ा में। देखिए, यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह बांध माही नदी पर बांसवाड़ा में स्थित है। लगभग इसकी लंबाई देखिए 3109 मीटर लंबा है ये। अगर ऊंचा बांध की बात करें तो दोस्तों देखिए, जाखम नदी पर बना प्रतापगढ़ में 81 मीटर ऊंचा है राजस्थान का सबसे ऊंचा
बांध, तो लंबा बांध देखिए दोस्तों, इसके अंदर माही बजा सागर और देखिए, और ऊंचा कौन सा है इसके अंदर, जो जाखम नदी पर बना है प्रतापगढ़ में। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, टिको मेला अंडुलेटा किस क्या वनस्पति का नाम है, तो ये राज्य का राज्य पुष्प रोहिड़ा। तो 1983 के अंदर इसे दोस्तों शामिल किया गया था पुष्प के तौर पर। अगला देखिए, विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष बाद होता है, तो ये होता है 2 वर्ष बाद, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद किसे बनाया, कौन होता है दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन के, तो ये होता है मुख्यमंत्री, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बालकों के अधिकार संरक्षण किस अध्याय में है, तो बालकों के जो संरक्षण का यह है अध्याय 6 में। अगला देखिए, किस बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, किस धारा में वर्णन है दोस्तों, तो ऐसा है दोस्तों धारा 17 के अंदर ये उल्लेखित है, किस बालक को शारीरिक मानसिक तौर से उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अगला देखिए, चावन शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई, तो ये विकसित हुई थी दोस्तों राणा प्रताप के शासनकाल में, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों अपने फीडबैक कमेंट में, कैसा लगा वीडियो, अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको पिन कर दूंगा। अगला देखिए, राव चूड़ा किसका पुत्र था दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये था राणा लाखा का, ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, किस मुगल शासक के समकालीन जयमल फत्ता थे दोस्तों, तो ये थे अकबर के समकालीन, डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर थी, तो ये थी अलवर में, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। अगला देखिए, राजस्थान किस रियासत में राठौड़ों का राज नहीं था, देखिए किशनगढ़ में, झालावाड़ में, बीकानेर में, जोधपुर में, तो देखिए इसके मात्र एकमात्र झालावाड़ में नहीं था और बाकी सभी के अंदर राठौड़ों का राज था। अगला देखिए, प्राचीन काल में सतपुर किस स्थान के नाम से जाना जाता है, कौन से को कहते थे दोस्तों सतपुर के नाम से, जो वर्तमान में उसे कहते हैं सांचौर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, राजस्थान में राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो राजा बख्तावर सिंह की छतरी है दोस्तों सी अलवर के अंदर। अगला देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन है, तो यह जयनायक है, इसके रचनाकार पृथ्वीराज विजय के जयनायक, इसको दोस्तों आप जिसे लास्ट में विजय आ रहा है इससे याद कर सकते हैं जयनायक। अगला देखिए, भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो सूरजमल ने करवाया था दोस्तों, जाटों का प्लेटो जिसे कहते हैं उपनाम से। अगला देखिए, अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल और उड़ीसा बिहार अफगानों में विद्रोह को दमन किया दोस्तों, ये था जय आमेर का मान सिंह। अगला देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इसने किया था दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध, सी इज करेक्ट आंसर इसका। अगला देखिए, मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, तो ये अशोक परमार था दोस्तों, बिजोलिया ठिकाने का जो शासक अशोक परमार। अगला देखिए, भील आंदोलन के संबंधित क्षेत्र है दोस्तों, तो ये सभी क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, सिरोही, दतना और पालनपुर, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही।
अगला देखिए, राजस्थान में कछवाहा राजवंश की छत्रिया कहाँ स्थित है? तो इनकी छत्रिया देखिए दोस्तों गेटौर में है, बी ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर इसका। अगला देखिए, प्रबंध कोष निम्न में से किसकी करती है? तो ये राजशेखर की करती है, सी इज ए करेक्ट आंसर इसका। अगला देखिए, कछुआ वंश का प्रसिद्ध शासक वारमल किस राज्य का शासक था? तो कछुआ वंश दोस्तों आमेर में राज था उनका, आमेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, बारमल आमेर राज्य का शासक कब बना? तो ये 1547 में दोस्तों। अगला देखिए, किस शासक ने ढूंढार राज्य की स्थापना की थी? तो ये दुल्ले राव ने की थी, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, जालौर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासक दोबारा करवाया गया था? तो ये परमार शासकों के द्वारा किया गया था, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? तो ये जय नारायण व्यास ने मारवाड़ में दोस्तों लोक परिषद का गठन किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपन क्वेश्चन डिस्कस किए 15। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे वीडियो अपलोड हो। धन्यवाद।